जी प्लीज रोना बंद कर जी, जी प्लीज प्लीज मत रो। क्या बिगाड़ा तो मैंने रणबीर का शाना उसका नाम भी मतलब उन जैसे लड़कों का ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी यहाँ घूमते कभी वहां घूमते। मम्मा को पता चलेगा तो उनको ने मेरी बारे में कहा जी जी वो मानती है, वो तेरे बारे में कभी गलती हो सकती है और तू कभी गलत नहीं होती। तुझे पता है ना अगर यहाँ कोई गलत है तो वो सिर्फ और सिर्फ रणबीर और कोई नहीं गलत है। इतनी बड़ी गलती मेरी जगह रिया उसे ऐसा करना था ना तो पहले ही कर देता। मुझसे प्यार का झूठा नाटक किसी किया क्यों बनाई दो बार यही पसंद थी। कह देता मैं उधर जाती नहीं आती बीच में नहीं आती मैं। राजीव तेरी कोई गलती नहीं है, मैं गलत हूँ। तुझे हमेशा बोलती रही तू पसंद तक नहीं करती थी रणबीर को। मैंने तुझे बोला कि रणबीर कितना कूल है कितना हैंडसम है, मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि वो तेरी जिंदगी में ऐसी आग लगाएगा। सॉरी मेरे मुंह पे आके ऐसे बात करके आंखों में आग आकर रिजेक्ट करता समझ जाती मैं। बुरा लगता इतना नहीं जितना उस रिया ने झूठे इल्जाम लगा के बुरा लगा है जाना। मुझे पता मैं फायदा उठा रही हूँ रणबीर का, मैं फायदा उठा रही हूँ। क्यों? क्योंकि रिया को उसने मेरी जगह दे दी। मैं ऐसी हूँ क्या जाना? मैं ऐसे सोच सकती हूँ क्या? प्लीज अपने आप में एक्सप्लेन मत कर और सुन अभी ना आंख से पूछ और रोना बंद कर। प्लीज प्लीज मत रो। तुझे मानसी के खत्म अगर तू रोई तो नहीं रोएगी। मुंह धो के आती हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना मैं रो रही थी। नहीं रोएगी ना? तुम रणबीर के नशे का फायदा उठा रही थी ताकि कोई चाह कर भी तुम दोनों की शादी के लिए ना कर पाए। रणबीर ना तुमसे बोर हो गया था खुश हो। कितनी बार बताना पड़ेगा बहुत खुश? अरे मुंह से बार बार झूठ सुनना अच्छा लगता है मुझे। आपको गलत फहमी पालने का शौक होगा। मुझे किसी की गलत फहमी बार बार दूर करने का शौक नहीं। मुझे अपनी गलत फहमियाँ दूर करना अच्छा लगता है। तो क्या करूँ मैं अपने सर पे आई एम हैप्पी का टैटू करवा लूँ? वो क्यों करोगी तुम? तुम्हें कहा था ना कि तुम इतनी खुश हो कि तुम बहुत नाचोगी। आज टैटू लगाओगी तो माथा खराब हो जाएगा। माइक का वेट कर रही। एक्सक्यूज मी कैन आई? ठीक कहा आपने, टैटू शायद सबको याद नहीं रहा, डांस तो कोई नहीं भूलेगा। एक्सक्यूज मी म्यूजिक प्लीज।
भाई एंगेजमेंट शुरू करें, मीरा वेट कर रही है। शादी किसी और से हो जाएगी तो तुम खुश रह पाओगे? आप खुश रह पाएंगे? जाओ, आपकी मर्जी। बाद में क्यों? भी बताना क्या हो? बोल रहा हूँ ना, बताऊंगा तुझे बाद में। उतर गई तुम्हारी या अभी भी नशे में हो? अभी नहीं शाना। अभी नहीं बताओगे तो कब बताओगे? जो हुआ उसके साथ अभी हुआ ना, तो हिसाब भी अभी बराबर होना चाहिए। क्या हुआ है, किसके साथ, क्या कौन सा हिसाब? क्या बोल रहे हो शाना? कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना शाना, अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? तुम्हारा कजन है, अमीर है, लड़का है, इसलिए कुछ नहीं बोल सकती। क्यों ना बताओ? अच्छा, तुम्हारी जबान है? तुम्हारी जबान तब क्यों निकली जब रिया प्राची से बकवास कर रही थी? क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई मुझे कुछ क्या हुआ क्या शाना, बोलो ना। सनबी, मेरी एक बात सुन लो, प्राची ने तुमको पसंद किया है तो तुम बहुत किस्मत वाले हो, वरना उसके लायक अभी तो कोई बना नहीं है। वो लड़की दिल की कितनी साफ है, दिल की, नियत की, सूरत सीरत सब साफ है उसकी। मुझे पता है, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हें पता होता ना तुम ऐसा कभी नहीं करते। वो लड़की वो हमेशा दिल से सोचती है, इसलिए लोग उसका फायदा उठाते हैं, और आज भी उसका फायदा उठाया है। तुम मुझे ये बताओ कि रिया ने क्या बोला प्राची को? उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है रिया ने। तुम नशे में थे, इल्जाम लगाया है, तुम्हारा फायदा उठाने का इल्जाम लगाया रिया ने, और रिया के लिए प्राची को छोड़ दिया। जी, आप किसका वेट कर रही हैं? भाई को रिंग दीजिए ना एंगेजमेंट की। हेलो डॉक्टर साहब, आप इधर? मम्मी जी, एक्चुअली डॉक्टर मेरे रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, यहाँ एंगेजमेंट पार्टी चल रही है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ते तनुजाय सार्वभौमाय मंगल। प्रज्ञा, कन्या नहा था आगे पढ़ाई।
प्रज्ञा प्रज्ञा क्या हुआ? नहीं देख सकती इस एंगेजमेंट को? तो इसे रोक क्यों नहीं देती? क्यों नहीं बोलती मुझसे कि मैं एंगेजमेंट ना कर? आप चाहते हैं ना एंगेजमेंट कर लूं? लेकिन तुम तो नहीं चाहती ना। तो समझो प्रज्ञा, मैं इसे नहीं रोक सकता, लेकिन तुम तो रोक सकती हो ना। नहीं रोकूंगी मैं। प्लीज इनफ। क्यों मैं तुम्हारे इस हुक एज एटीट्यूड से सबको दिखाना चाहती हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था दूसरी शादी को लेकर? तुमने कहा शादी कर लो तो मैंने वर्ल्ड खत्म ही होने वाली, क्या कर तुम? मैं चाहे कुछ भी कहूँ, आप किसी और से शादी नहीं करेंगे। 20-30 सालों में ऐसी नौबत आती है तो तुम आकर उसे एक चमाटा दे देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। याद है ना तुम्हें कि जब कभी ऐसी नौबत आए तो तुम उसे रोक देना। मैं भूत नहीं बनने की जरूरत नहीं है, बस एक बीवी बनकर आपने अपना हक जताने की जरूरत है। रोकने की जरूरत है इस एंगेजमेंट को। तुम वो करो ना जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हारी खुशी में तुम्हारी जीत है, हमारी जीत है। तुम समझो ना बात को प्लीज। तुम नहीं चाहती ना एंगेजमेंट को, पहले नहीं बोल सकती थी, बस यही तो सुनना चाहता था मैं। प्रज्ञा रिंग दोगी प्लीज? रिया कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गई, तू नशे में था। प्राची बस तुझे बेड पर लिटा रही थी और रिया ने, लेकिन क्यों किया उसने रिया ने ऐसा? मैंने रिया को बोला था कि मैं उससे, मैं प्राची से खुद बात करने वाला था। आई डोंट नो रिया ने क्यों, तो तूने बोलने दिया उसको? मुझे शक था कि रिया जो बोल रही है वो गलत है। रिया ने कहा कि उसकी शादी तुमसे होने वाली है, अब मुझे यकीन हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है शाना, मेरी तुम बात सुनो। मैं अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम कभी ऐसे बात नहीं करते, तुम चिल्लाते, मेरा गला पकड़ते, बोलते शाना ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे बोलते, तुम मुझे चुप कराते। शाना मैं तुम्हें पूर्ण बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सब समझ आ चुका है। तुम्हें सब गलत लग रहा है? नहीं मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है, मुझे सब समझ आ चुका है। मैटर था इसलिए रिया ने बोला, जो रिया बोल रही थी वो सब सच था। नहीं नहीं मैं कैसे समझाऊं? देखो मैं एक बार बात सुन लो, मुझे क्या बोलना है, बस मुझे एक मौका दो बस। मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्यों रणबीर, क्यों किया तुमने ऐसा? प्राची तो कभी प्यार करना ही नहीं चाहती थी, तुमने उसे यकीन दिलाया। वो तो नफरत करती थी तुम जैसे लड़कों से, पसंद तक नहीं करती थी तुमने, पर तुमने उसे यकीन दिलाया कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम बदल चुके हो, और तुमने यहाँ तक तुमने उसको मेरा भी दुश्मन बना दिया। मुझे फोन किया था ना कि उसे प्रपोज करने वाले हो, सबसे बड़ी पागल हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुम्हारी है? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला है। मैंने तुम्हारी हेल्प करके गलती की है, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। मेरी शाना एक बार बात, उसकी जगह जब तुम्हें किसी और को देनी थी तो उसको दिल में जगह दी क्यों? पहले दिल में जगह दी फिर दिल से निकाल के फेंक दिया उसको तुमने। ये बात प्राची को पता तक नहीं थी। सोचो जब उसको पता चली होगी क्या हाल हुआ होगा, उसके दिल के हजारों लाखों टुकड़े हो गए होंगे। तुम रिया के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए, प्राची को पीछे छोड़ के तुमने तो उसको आगे पीछे कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तो उस दिन पे गुस्सा आ रहा है जिस दिन प्राची तुमसे मिली थी। काश हमसे तुमसे कभी मिली नहीं होती, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती तुम हो। शाना, तुम्हें बदला, तुम्हें प्यार करने से कैसे?
किया था, तुमने क्यों किया? तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आई? प्राची कहाँ है अभी? खबरदार, जो उसका नाम भी लिया तुमने। तुम्हें पता भी है ये कितनी टेंशन में है? किस बात की टेंशन? अभी भी टेंशन बाकी है। रोका होने वाला है, कुछ दिन में शादी हो जाएगी, फिर हनीमून होगा, और अभी भी तुम टेंशन की बात कर रहे हो? कैसी टेंशन? शाहना, प्राची कहाँ है अभी? प्लीज बताओ मुझे। उसको जितनी तकलीफ देनी थी ना तुम दे चुके हो, और क्या तकलीफ देना बाकी रह गया? ये पूछना चाहते हो कि वो मरी या नहीं? शाहना, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। मैं आज चुप नहीं रह सकती यार, मैं क्यों चुप रहूं? अगर नहीं रह सकती है तो मेरी सुन लो, ठीक है? इसमें रणबीर की कोई गलती नहीं है, उसकी मॉम नहीं चाहती कि प्राची और रणबीर एक हो। ये वाली कहानी ना रिया को गलत बता चुकी है ऑलरेडी। तो तुम किसकी बात सुनोगी, मेरी या रिया की? मुझे इतना बता दो, अगर रणबीर की जगह पर प्राची होती और उसकी मॉम ने रणबीर को रिजेक्ट किया होता, तो प्राची क्या करती? अपनी मॉम के लिए रणबीर को नहीं छोड़ती? छोड़ देती ना। हाँ, इसीलिए रणबीर ने भी अपनी मॉम के लिए प्राची को छोड़ दी, और उसकी जगह पे कोई और होता तो यही करता। इसमें उसने गलत क्या किया है? जिसकी वजह से हम दुनिया में आए हैं ना, उसके लिए कोई भी सैक्रिफाइस बड़ा नहीं होता, ठीक है? तो मुझे इतना बता दो कि प्राची अगर इस जगह पर होती तो क्या करती? यही करती या नहीं? अरे, वो ही क्या जो मुझे सही लगा, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते ना? क्या वो क्या सोच रही?